स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले अभी हाल ही लेटेस्ट में जो आपका एक नोटिफिकेशन आया है, और नोटिफिकेशन क्या आपका दिल्ली जो आपका पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अंदर एक हेड कांस्टेबल जो आपका मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का जो आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो आपके हेड कांस्टेबल का जो पद है उसकी कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया होगा आपके एग्जाम का, एज क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे डाउट आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, और अगर अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लोग लाइक कर दो, फिर स्टार्ट करते। देखो, कोई भी अगर आपका नया नोटिफिकेशन आता है तो एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों के मन में डाउट आते हैं, और डाउट वो रहते क्या है उस एग्जाम को लेकर, क्योंकि तैयारी तभी होगी जब आपके वो डाउट क्लियर होंगे। और डाउट कौन कौन से रहेंगे भाई, कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं हम लोग, एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जा सकते हैं, एग्जाम की फीस क्या होगी, एग्जाम का डेट क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। अगर आपका वो बेल्ट एंड कैप का जॉब है, जैसे आप बोलते हो फोर्स वाला जॉब, जैसे पुलिस है, ठीक है, आर्मी है, तो उनका क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या इसमें फिजिकल रहेगा, क्या इनका पीएसटी पीईटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, आपका टोटल वैकेंसी कितना है, आपका सिलेबस क्या है, बहुत सारे आप लोगों के डाउट रहते हैं। और जब ये डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं, फिर हम लोग जुट जाते हैं अपनी तैयारी में, फिर हम लोगों के सामने बस एक ही टारगेट रहता है, एनी हाउ वो एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो इन सभी डाउटों के लिए आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। बस वीडियो के आप लोग, क्लास के आप लोग आखिरी तक जुड़े रहना, तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या क्या आपके डाउट हैं, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद सीधा आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाना। तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आपको ले चलता हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो आयोग ने आपको भेजा है। साफ साफ है इसमें, कर्मचारी चयन आयोग मतलब स्टाफ सिलेक्शन आपका कमीशन, जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में एसएससी बोलते हो, भारत सरकार, ठीक है, लोक कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है कि भाई डेट मतलब डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/5/2022, 16/6/2022, मतलब 17/5 से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 16/6 तक ये चीज आपकी चलने वाली है। मतलब आपका अगर मैं आज की बात करूं तो आज से ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, आज से, क्योंकि आज हम लोग खड़े हैं 19 तारीख पे और ये तो 17 तारीख से ही आपका शुरू हो चुका, दो दिन पहले से, और एक महीने ये सिस्टम आपका चलने वाला है। लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब यहां पर आप इस डेट को इतने बजे तक, 23 बजे मतलब रात के 11 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 17 तारीख तक, 17/6/2022, मतलब इनकेस होता है लास्ट टाइम के कभी आज फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, सर्वर डाउन हो जाते, तो उस केस में, उस परिस्थिति में आप अपना फॉर्म फिल मतलब रजिस्ट्रेशन करके रखो, इनकेस अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक दिन का भी इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। फिर आप अगर ऑफलाइन चालान मतलब ऑनलाइन आपसे हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, ऑफलाइन भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो, उसकी डेट आपकी 18 तारीख तक रहेगी, ठीक है। चालान से अगर आप पे करोगे तो उसकी आपको 20 तारीख तक वो डेट रहेगी, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, ये आपने फॉर्म फिल कर दिया भाई, अब एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम की डेट फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ मंथ फाइनल है, और मंथ क्या है आपका, सितंबर 2022। देखो डेट फाइनल क्यों नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है ऑनलाइन एग्जाम होना है, कोई एक दिन में तो आपका पेपर हो नहीं जाएगा, कम से कम चलेगा 10 से 12 दिन, तो सितंबर में आपका ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, सेप्टेम्बर में स्टार्ट होगा, एसएससी है, डेट आगे नहीं बढ़ेगी, सेप्टेम्बर आपका फाइनल डेट है आपके एग्जाम का। ये सारी आपके लिए जरूरी डेट थी जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 17 मई 2022 से आप 16 जून 2022 तक इन टाइम ड्यूरेशन के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी आपके लिए सबसे जरूरी डेट वो है आपका एग्जाम डेट, वो है आपका सितंबर 2022 में, ठीक है। अब आगे का अगर आप प्रोसीजर देखोगे, अगर आप आगे का प्रोसीजर देखोगे यहां पर, ठीक है, ये आपके टोटल वैकेंसी की, भाई वैकेंसी है कितनी, अगर मैं वैकेंसी की बात करूं ना, द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज, मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल कैंडिडेट की वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, ओपन मतलब सभी,
तो यहाँ पर जर्नल की आपकी रहेगी 217, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 50, ओबीसी की रहेगी 123, एससी 59, एसटी 54 और टोटल रहेंगे यहाँ पर आपकी 530। मैं केवल और केवल मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की बात करोगे तो एक्स सर्विसमैन की 24 रहेगी आपकी जनरल के एक्स सर्विसमैन की, ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी की 14, एससी की 6, एसटी की 6 और टोटल इनकी मिलाकर 56। टोटल अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 241, 56, इनसे आपको कोई मतलब नहीं, आप बस फाइनल डाटा देख सकते हो। 559 टोटल वैकेंसी यहां पर आपको मेल कैंडिडेट की मिलेगी, मतलब कैटेगरी वाइज भी आपकी टोटल वैकेंसी इन्होंने क्लियर कर दी। अगर यही आप फीमेल की बात करोगे, यही अगर आप फीमेल कैंडिडेट की बात करोगे तो फीमेल कैंडिडेट में एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ यहां पर अगर देखोगे जर्नल में फीमेल 119, ईडब्ल्यूएस 28, ओबीसी 67, 32 एससी और 30 आपका एसटी, टोटल आपकी 276 यहां पर पोस्ट आपको देके रखी है। टोटल अगर बात करोगे तो 276 हो जाएगी, ये टोटल आपकी वैकेंसी थी, ठीक है। ये टोटल आपकी वैकेंसी थी 559 यहां पर और 276 यहां पर, 559 और आपका 276, तो टोटल अगर यहां पर देखोगे 5, ठीक है, 6 × 12 और 1 × 13 इक्यारी करोगे, 7 × 1 आपका 8, मतलब टोटल आपका 835 पोस्ट है, मतलब 835 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। अगर देखो मैं एज लिमिट की बात करूं कि किस कैटेगरी, मतलब किस एज क्राइटेरिया के अंदर आप होने चाहिए तब इस एग्जाम को आप फॉर्म फिल, इस एग्जाम में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप कौन से स्टेट के होने चाहिए, दिल्ली की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, तो क्या आप दिल्ली के ही होने चाहिए, नहीं। आपको भी पता है दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें कोई भी स्टेट कोई भी राज्य की बाध्यता नहीं है। यहाँ पर आपका बस ये है कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप पाकिस्तान के नहीं होने चाहिए, आप नेपाल भूटान, ठीक है, बांग्लादेश बरमूडा नाइजीरिया यहाँ के नहीं होने चाहिए, आप बस इंडिया के होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, आ जाते हैं हम लोग एज लिमिट पे। एज आपका 18 से लेकर 25 तक होना चाहिए, 18 से लेकर 25 तक, तो ठीक है एक डेट भी तो कंसीडर की जाती है कि इस डेट पर आप 18 से 25 के बीच में होने चाहिए, तो यहां पर वो भी आपको देखे रखा है 1/1/2022, मतलब 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है ना वो 18 से 25 के बीच में होने चाहिए, मतलब आपका जो जन्म है वो 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 94, 92, 93, 95 वाले एलिजिबल नहीं है, और 2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। पता चले 2011 में आए और हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने चले, नहीं भर पाओगे, ठीक है। चलो ये आपका, हाँ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अगर आप एसटी के एससी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 साल का, और यहां पर अप टू 30 ईयर, ये आपका एक्स सर्विसमैन बिडो इस टाइप से यहां पर एज रिलैक्सेशन देके रखा है। आपके काम का है वो है आपका 18 से 25 साल का, ठीक है, ये आपका एज क्वालिफिकेशंस आपको देके रखा है। ये पूरा आपका रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन एज को लेकर कि अगर आप एससी कैटेगरी को तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब 25, 5 आपका 30 हो जाएगा, 18 से 25 तो आपको देखे ही रखा है, और अगर 5 साल का और आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओबीसी 3 साल, मतलब ओबीसी अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां पर एससी एससी एसटी 30, ओबीसी 28, ठीक है, यहां पर ये 10 साल है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व मतलब 35, 13 साल किसे मिलेगा आपका ओबीसी पीडब्ल्यूडी मतलब 38, 15 साल किसे मिलेगा पीडब्ल्यूडी एससी एसटी मतलब यहां पर आपको क्या देखे रखा है 40 साल। अब एक्स सर्विसमैन की अगर हम लोग बात करें तो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ये आपका थोड़ा सा पैरा नीचे है, ठीक है, ये आपका एक्स सर्विसमैन का देखे रखा है, स्पोर्ट्समैन का भी देखे रखा है 5 साल का, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखे रखी है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस के हो तो आपको 43 साल देखे रखा है, दिल्ली पुलिस में जर्नल में हो तो आपको 40 साल, ये सारे क्राइटेरिया आपको यहां पर देखे रखे हैं। बस आपके काम को आपको जो याद रखना है वो जनरल कैंडिडेट का 18 से 25 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। ये आपने एज भी अपना क्लियर कर लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें रिलैक्सेशन वर्ड्स पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस, ठीक है, चलो अब यहां पर अगला जो आपका टर्म है इसे हटा दो, आपके कोई काम का नहीं, ठीक है,
यहां पर ये आपके काम करने, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट, ये आपको फॉर्मेट का देके रखा है। अब देखना यहां पर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्योंकि फॉर्म फिल करोगे तब जब आप उतने क्वालिफाइड होगे। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस द कैंडिडेट शुड बी 10+2, मतलब आप 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, मतलब अगर आप पास नहीं कर पाए ना कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम आप 12th के क्लास में तो होना चाहिए, मतलब 12वीं क्लास पास और पॉसिस इक्विवेलेंट, मतलब आप उतना होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज समझना यहां पर, ये तो चलो ठीक है, 10+2 मतलब आपका 12th होना चाहिए, 12th आप पास होने ही चाहिए दोनों परिस्थितियों में, अगर आप 12th पास नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर अगला जो आपका क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका टाइपिंग का, जैसे आपको भी पता है मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड होनी चाहिए या फिर हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, मतलब आपका जैसे आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे ना तो अगला जो आपका टास्क होगा वो यही होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपको आपके पास ऑप्शन है, या तो हिंदी में अपनी टाइपिंग टेस्ट दे लो या फिर इंग्लिश में अपनी टाइपिंग टेस्ट दो। हिंदी में दोगे तो एक मिनट में आपको 25 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, इंग्लिश में अगर दोगे तो एक मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी यहां पर क्वालिफिकेशन, दो फेसेस में आपका एग्जाम होगा, पहला रिटन और दूसरा आपका यहां पर ये, ठीक है। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, ठीक है, ये आपको देके रखा है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कहां से करना है आपको, अप्लाई कहां से करोगे, एसएससी की साइड से आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात भाई, इसका फीस क्या लगेगा, फीस यहां पर देके रखा है, फीस पेबल 100 रुपीज फॉर ओनली 100 रुपीज, किन किन को लगेगा, केवल और केवल जनरल कैंडिडेट को, ठीक है, जनरल कैंडिडेट को यहां पर 100 रुपए का लगेगा। अब महिला कैंडिडेट है, ठीक है, एससी एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, इनका कोई फीस यहां पर पे नहीं होगा, कोई भी फीस नहीं, केवल जनरल कैंडिडेट के, जनरल कैंडिडेट वो भी मेल कैंडिडेट को 100 रुपए यहां पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। और पेमेंट का मैंने लास्ट डेट आपको बता दिया 17/6/2022। चलो करेक्शन भी आप कर सकते हो, 21/6/2022 से लेकर 25/6/2022 तक आप करेक्शन भी कर सकते हो अपने फॉर्म में, अगर आपसे गलती हो जाती है किसी फॉर्म में तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप कौन कौन से सेंटर चुन सकते हो, क्योंकि पूरे भारत के लिए ये वैकेंसी है, किसी भी आप राज्य के हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई दिल्ली पुलिस की जॉब है तो आपको दिल्ली में ही जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने सेंटर चुन सकते हो। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप सेंट्रल रीजन मतलब बिहार उत्तर प्रदेश, तो आप ये सारे सेंट्रल चुन सकते हो, जैसे भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, आगरा है, ठीक है, झांसी है, लखनऊ है। अगर आप ईस्टर्न रीजन में जाते हो, जैसे अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, तो आप ये सारे अपने सेंटर चुन सकते हो। आपके जो काम का है, जैसे मध्य प्रदेश रीजन, जिसे आप एमपीआर रीजन बोलते हो, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिलाकर ये आपका एमपीआर रीजन तैयार होता है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर और आपका दुर्ग, भिलाई, यहां पर आप अपने सेंटर चुन सकते हो। ये सब आप यहां पर सेंटर आपको चुनना है, ठीक है, मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जो आपके घर के पास में उसे आप सेंटर बनाओ अपना, ठीक है। अब भाई साहब, स्कीम एग्जामिनेशन मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये एक बार आप लोग देख लो। सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा वो आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन बाय एसएससी, मतलब आपका जो फर्स्ट फेज में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका एसएससी कंडक्ट कराएगा, ठीक है, और 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होना चाहिए। दूसरा आपका जो टेस्ट होगा यहां पर, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, वो आपका क्वालिफाइंग है, इसका कोई भी एडिशनल आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये वो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाय दिल्ली पुलिस, 25 मार्क्स का ये आपका रहेगा, मतलब 100 नंबर ये, 25 नंबर ये आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी वो 125 मार्क्स पर आपकी तैयार की जाएगी। फिजिकल मेजरमेंट तो आपका क्वालिफाइंग, आपको क्वालिफाई करना है बस। फोर्थ अगर आप सीरीज की बात करो तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग बाय टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, मतलब ये भी आपका कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग है, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझना, यहां पर अगर आप लोग इनके यहां पर देखोगे सिलेबस की बात करोगे तो, ठीक है, सिलेबस की अगर बात करोगे तो यहां पर क्या है, ऑल कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल सेल बी पुट थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर, मतलब आपका जो एग्जाम होगा 90 मिनट का होगा, या फिर आप बोल सकते हो 1 घंटा
30 मिनट या फिर आप बोल सकते हो 1.5 घंटे का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आगे 100 क्वेश्चन कौन से रहेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल रहेगी, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, मतलब आपका 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन वाला आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपको 1 मार्क्स देगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग की बात करें अगर हम लोग यहां पर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, मतलब एसएससी में वैसे अगर देखा जाए तो 0.25 की माइनस मार्किंग रहती है, लेकिन इस एग्जाम में 0.25 की नहीं है, 0.50 की। मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए ना तो आपका 1 नंबर गया। अभी तक जो दूसरे एग्जाम होते हैं जैसे CHSL हो गया, MTS हो गया, SSC CGL हो गया, CPO हो गया, 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग रहती है, 0.5 की तो वहां माइनस मार्किंग रहती है, यहां पर आपका 1 सवाल 2 नंबर का आता है, इसमें सबसे ज्यादा आपकी माइनस मार्किंग है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर आपका जो सिलेबस, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस की अगर बात करूं यहां पर, जनरल अवेयरनेस आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस जो आप रीजनिंग बोलते हो 25 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज होगा आपका 25 क्वेश्चन, आपका 25 मार्क्स, ठीक है। पार्ट ई में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर भी आपको आएगा, और 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल 10 नंबर के। इन सबको मिलाओगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे। माइनस मार्किंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, माइनस मार्किंग है यहाँ पर, और माइनस मार्किंग आपका 0.50 का है, ठीक है। चलो ये रहेगा आपका यहां पर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब अगर आपके द्वारा कोई भी तुक्का लगाया गया तो उस तुक्के का आपको हरजाना भी देना पड़ेगा 0.5 नंबर का, ठीक है। चलो और यहां पर अगर आप देखोगे जर्नल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, तो क्वेश्चन ये आपका पूरा जर्नल अवेयरनेस का आपका सिलेबस हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जैसे आप मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स बोलते हो, वो आपका ये सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस की आप बात करोगे तो आपका ये सिलेबस रहेगा। इंग्लिश की बात करोगे तो ये पूरा कंप्यूटर आपका ये वाला, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा, तो आप अच्छे से इसे सिलेबस एक बार देख लेना, ठीक है। चलो डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। रिजल्ट भी आपका कहीं ना कहीं एसएससी के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात कि भाई रिटर्न आपका हो गया, सारी चीजें हो गई, अब फिजिकल मेजरमेंट जो आपने बोला है वो क्या है, क्या पुलिस की पोस्ट है, फिजिकल भी होगा, जैसे आपने देखा होगा दौड़ भाग दौड़ हो गया, रनिंग हो गया, शॉर्टपुट लॉन्ग जंप, ऐसा भी कुछ है, तो यहां पर बिल्कुल फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट आपका होगा, फिजिकल इंडोरेंस आपका टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट की अगर बात करें, ठीक है, मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें 7 मिनट, ठीक है, लॉन्ग जंप आपको यहां पर रेस 1600 मीटर की है, 7 मिनट में लेंगे, ठीक है। और यहां पर आपका लॉन्ग जंप आपका 12.5 फिट, हाई जंप आपका, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं फिजिकल है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, और सबसे बड़ी बात, फॉर मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विल बी एज अंडर, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 800 मीटर 5 मिनट में, 9 फिट लॉन्ग जंप और आपकी 3 फुट हाई जंप, ठीक है, ये आपका पूरा फिजिकल रहेगा। अब अगर आप लोग मेजरमेंट की बात करोगे, मेजरमेंट मतलब अब ध्यान से समझना, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका चेस्ट का जो फुलाव है, जो चेस्ट मेजरमेंट होता है वो क्या होना चाहिए। हाइट की बात करोगे तो यहाँ पर हाइट थोड़ा सा कम है, हाइट कितना है आपका, जनरली आप अगर पुलिस की जॉब देखोगे तो मिनिमम 168 मांगी जाती है, अगर आप देखो तो एसएससी जीडी में तो हालांकि 170-170 मांगी जाती है, लेकिन अगर आप स्टेट के किसी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर 168 मांगी जाती है। लेकिन चूंकि ये पोस्ट आपकी एक तरीके से डिपार्टमेंटल है, मतलब ऑफिशियल वर्क है, चोरों को नहीं पकड़ना यहाँ पे, यहाँ पर कागजी कार्रवाई करनी है, तो इसके लिए आप 165 सेंटीमीटर के होने चाहिए, 165 के अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। हाँ, कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो आपके पहाड़ी क्षेत्र जैसे होते हैं हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वहां पर आपको हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, हाइट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसटी कैंडिडेट को आपका हाइट में रिजर्वेशन मिलता है, मतलब छूट थोड़ी सी मिल जाती है, ठीक है। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यहां पर 56 इंच का सीना तो नहीं चाहिए आपको, 78 सेंटीमीटर का यहां पर आपको सीना चाहिए, और फुलाने के बाद, मतलब जनरली होता क्या है 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखते हैं, तो 78 से यहां पर 82, मतलब 4 सेंटीमीटर का ही देखेंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर अगर आप जीडी के पोस्ट में एलिजिबल हो तो वहां पर 5 सेंटीमीटर का देखा जाता है।
यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बहुत है, थोड़ा सा फुला लेना काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की 157 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका पूरा फिजिकल मेजरमेंट, ठीक है। नो फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट फॉर पर्संस विथ डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स, ठीक है। उनके लिए आपका फिजिकल मेजरमेंट नहीं होगा, मेडिकल भी होगा आपका। कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड स्टेट हेल्थ, मतलब आपका एक तरीके से मेडिकल भी होना चाहिए। आईज, आंख आपकी 6x12 की होनी चाहिए, जनरली आपकी 6x6 की मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंटल पोस्ट है, ठीक है, ऑफिशियल जॉब है, तो 6x6 की आपकी आंख चलेगी। मतलब अगर मेरे जैसा आपको चश्मा भी लगा होगा ना, तो भी आप भाई साहब वर्दी पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, पहले मुझे जो बताना है वो बता लेने दो, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़कर आपका डाउट क्लियर करूंगा, मत परेशान हो। फिजिकल एंड्योरेंस आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पर रहेगा। टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड, अब टाइपिंग टेस्ट आप लोग एक बार समझ लो, यहां पर समझना, अगर आप लोग टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, मैक्सिमम मार्क्स आपके 25, मतलब 25 नंबर का आपका मार्क्स होगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग द फिजिकल इंडोर, मतलब अगर आपने रिटन क्वालिफाई किया, रिटन आपने निकाला, फिर फिजिकल मेजरमेंट आपने निकाला, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट निकालने के बाद, एज वेल एज पर्सन विद डिसेबिलिटीज हु क्वालिफाइंग द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर ऑन आपका कंप्यूटर। द टेस्ट सेल बी ऑन 10 मिनट्स, मतलब आपका 10 मिनट कंप्यूटर पर बिठाया जाएगा, ठीक है। द मार्क्स विल बी टेकन इंटू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द फाइनल रिजल्ट। द कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड मार्क्स अकॉर्डिंगली टू स्पीड अचीव्ड बाई इन द टाइपिंग टेस्ट, मतलब आप जो टाइपिंग टेस्ट आपका जो होगा उसमें आपको मार्क्स भी मिलेंगे। टोटल आपका यहाँ पर 25 नंबर का, जैसे मैंने बताया कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 25 नंबर की टाइपिंग होगी, टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 125 पर बनेगी, ठीक है, 125 पर बनेगी। अगर क्वालिफाइंग की बात करूं, जो आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है वो भी आपका होना चाहिए। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग इन द टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर सेल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट एंड विल बी टेस्टेड ऑन MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब इसका कोई मार्क्स नहीं होगा। तो इसमें ये सारी चीजें आपकी देखे रखी, MS वर्ड में आपको कौन कौन सी चीजें हैं, 10 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। पावर पॉइंट में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। एक्सेल का आपको ये पूरा देखे रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब तो कुछ नहीं है, बस ये आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, वोटर पैन कार्ड, ठीक है, ये आपका ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो तो आपका लास्ट में होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब एक तरीके से जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा, क्वालिफाइंग का आपका टेस्ट फॉर्मेटिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें अब आपके काम की नहीं, आपके काम की चीजें वही थी जो मैंने आपको बताया, ये आपका ठीक है, ये हटा दो, ये कोई काम की नहीं, तो आपके सिलेक्शन के बाद की चीजें हैं जो आप लोगों को बाद में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तैयारी कहाँ से कैसे करने, मैं एक बार आपको इसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि भाई परीक्षा के आपने 7 साल पूरे होने वाले हैं, तो परीक्षा का जो सफलता महोत्सव वो आपका स्टार्ट हो चुका है, 4 तारीख को आपका परीक्षा का 7वां बर्थडे होने वाला है। इसके अलावा आपका यूट्यूब शेड्यूल, यहाँ से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे 12 बजे आपका मैथ्स की तैयारी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, 1 बजे हिंदी की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हो, आपके एग्जाम में आएगी नहीं तो क्या तैयारी करोगे, इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो आप 2:30 बजे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों का एग्जाम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस लगाई जा रही है परीक्षा YouTube चैनल पर, ठीक है। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/5/2004 है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? भाई मैंने आपको ऑलरेडी दोनों डेट लिखा दी है, इन दोनों डेटों के आप बीच में होने चाहिए, अगर एक भी दिन आप आर पार हो तो नहीं हो पाएगा। चलो क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ, आप लोगों का अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और इसके अलावा आप लोगों को क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आपको शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने 12 बजे डेली शेड्यूल में।